सनशाइन कैपिटल नाम का एक शहर है जिसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही हूँ। सनशाइन कैपिटल ने जम्मू कश्मीर में कठुआ में एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेवलपमेंट के लिए मैन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को 196 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। कंपनी ने इसके लिए मैन स्टेनलेस के साथ टर्म शीट पर साइन किए हैं। NBFC कंपनी सनशाइन कैपिटल के शुरू में 3 दिसंबर को अब अंदाजा 4% की जो है तेजी से स्टॉक BSE पर 2.32 रुपये के भाव पर बंद हुआ। जैसे कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ में एक प्लांट लगाया। कंपनी ने इसके लिए मैच ने इस टर्म शीट पर साइन किया। इस खबर के बीच आज कंपनी के शेयरों में खरीदारी देखी गई। आज की तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 241 करोड़ रुपये हो गया। इस नए प्रोजेक्ट के तहत non-API इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस वेल्डेड कार्बन स्टील पाइप का प्रोडक्शन किया जाएगा। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अहम विस्तार है जिनकी प्लांट कैपेसिटी 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। MSST के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फाइनेंस करके सनशाइन कैपिटल स्टील ट्यूब्स इंडस्ट्री में एक प्रमुख कंपनी का समर्थन कर रही है। यह कदम उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए सनशाइन कैपिटल के कमिटमेंट को दिखाता है। तो शेयर के ऊपर ध्यान दें।